मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मुक्ति है और मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पढ़ाऊंगी। प्रधानमंत्री हैं। बहुत अच्छा मोहिनी, बैठ जाइए। प्रधानमंत्री जो है इस समय हमारे देश के वो नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री के विषय में आप क्या जानते हैं? इसी कहना बताते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र का क्या होता है उसमें हमारे अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो है सहायता के लिए, राजकीय सहायता के लिए उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है जिसका मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 से 78 के बीच में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में बात की गई है। इसमें जो इसका जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती है वो प्रधानमंत्री के ऊपर होती है और उसकी मंत्रिमंडल होती है। ठीक है बच्चों, आप ये बताइए कि मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा, बैठ जाइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में ऐसा होता है कि सामान्यतः पांच वर्ष के लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए इन्वाइट करता, आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। और जो है बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं और उन्हीं के परामर्श से उनके अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि यदि बहुमत नहीं प्राप्त हुआ किसी को तो उस अवस्था में राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेक से किसी ऐसे नेता का चुनाव करते हैं जिसको किसी अन्य दलों का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, जिससे कि मतलब वो अपना विश्वास मत भी हासिल कर सके और सरकार भी। ठीक है, तो बच्चों आप हमें ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? हाँ जी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं के विषय में आप क्या जानते हैं? मैं बताती हूँ बच्चों, ये एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी पद के लिए जो योग्यताएं होती है, पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है,
इसकी योग्यताओं के विषय में बताइए। प्रधानमंत्री का जो की योग्यता होती है, सबसे पहले योग्यता कौन सी होती है आप बताइए? यस मैम। अब इसे समझने में आप कुछ प्रश्न पूछूंगी, वो बताइएगा। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? Thank you.
हाँ बताइए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है, आप क्या बताइए? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश करते हैं, आप बताइए दादा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। Thank you, class. Thank you, ma'am.